मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने उनके गृह ग्राम नरौरा पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। शिवराज सिंह ने कहा, कल्याण सिंह ने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था। उन्होंने कहा, कल्याण सिंह का संकल्प था कि अयोध्या में राम भगवान का भव्य मंदिर बने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और कहा कि बचपन से ही कल्याण सिंह के दिल में और दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित के कल्याण की आग प्रकट होती थी। शिवराज ने कहा, कल्याण सिंह ने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और यह एक तरह की क्रांति का शंखनाद था। वह केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होता था। टूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, तेरे घर वाली के तन पर फटी फटाए अंगरिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिन दिया बिन डिबिया रे, इस सड़हांध को आग लगा दे क्रांति के अंगारों से। ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी। कल्याण सिंह जी व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। बचपन से उनके दिल में, उनके दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित उनके कल्याण की आग प्रकट होती थी और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और एक तरह से क्रांति का शंखनाद किया था। टूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबिया रे, इस सलांध को आग लगा दे क्रांति के अंगारों से। ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर वे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री बने और अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह उनका संकल्प था और ये संकल्प उनकी बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, उस दिन उन्होंने बड़े संतोष के भाव से कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद वे लोकप्रिय थे। मैं अपने ओर से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, यह प्रार्थना करता हूँ। सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, बड़े संतोष के भाव से उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। यहाँ उमड़ती जनमेदनी ये बताती है कि सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी कुछ दिनों वो कितने लोकप्रिय थे। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज़।